नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। नोटबंदी से रूस नाराज, दी धमकी। नोटबंदी का प्रभाव भारतीय कूटनीति पर भी पड़ रहा है। नकदी की कमी के चलते अपने दूतावास में कामकाज प्रभावित होने पर रूस ने भारत के समक्ष अपना कड़ा विरोध जताते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। रूसी राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखकर रूसी राजनयिकों के नकदी निकासी पर लगी रोक के मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रति सप्ताह 50,000 रुपए की अपर्याप्त सीमा से दूतावास का सामान्य कामकाज प्रभावित हो रहा है। उनके पत्र के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने दूतावास को सूचित किया है कि जब तक रिजर्व बैंक कोई निर्देश न दे, भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक दूतावास के लिए प्रति हफ्ते 50,000 रुपए की निकासी सीमा है। पत्र कहता है कि वेतन एवं परिचालन खर्च संबंधी दूतावास की जरूरतों के लिहाज से यह राशि पूरी तरह से अपर्याप्त है। रूसी दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां बताया कि हम लोग विदेश मंत्रालय के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उनका हल तलाशा जाएगा, अन्यथा हम मॉस्को में अपने दूतावास के इंडियन मिनिस्टर काउंसलर को तलब कर उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाने सहित अन्य विकल्पों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अधिकारी ने संकेत दिया कि अन्य विकल्पों में रूस में तैनात भारतीय राजनयिकों के लिए धन निकासी पर अंकुश लगाना शामिल हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने रूस समेत विभिन्न राजनयिक मिशनों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का संज्ञान लिया है। सूत्रों ने कहा है कि इस मामले के बारे में एक बार फिर वित्त मामलों के विभाग को बताया गया और हम उनके निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। यहां के रूसी दूतावास में करीब 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। रूस नोटबंदी जनित पाबंदी को लेकर शिकायत करने वाला पहला देश नहीं है। इससे पहले डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर ने भी यह मुद्दा उठाते हुए दूतावास को हो रही समस्याओं की शिकायत की थी। समझा जाता है कि यूक्रेन और कजाकिस्तान जैसे देशों ने भी मंत्रालय के समक्ष विरोध जताया है। और आइए अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भूकंप से थर्राया इंडोनेशिया, 25 की मौत। आईएस को बड़ा झटका, सिरते में भी सेना का कब्जा। भारत के 44वें प्रधान न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर। दिलीप कुमार मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। कैपिटल एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतरे, 10 लोग घायल।